वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय बाबा जय रामदास। आज का वीडियो सभी उन बेरोजगार साथियों के लिए है जो अपने रोजगार के साथ साथ राष्ट्र, प्रकृति और समाज की रक्षा करते हुए अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत निर्माण करना चाहते हैं। उन सभी साथियों के लिए विशेष रूप से ये वीडियो है। प्रथम जो जरूरत है गुरुकुल को, वो भोजन कर्मचारी की है। ऐसा जो भी व्यक्ति हो, माता हो, बहने हो या भाई हो, जो रसोई को संभाल सके, लगभग 30 विद्यार्थी और 10 कार्यकर्ताओं का रोजाना भोजन आपको बनाना है। आपको एक सहायक मदद के लिए 2-3 घंटे सुबह शाम अवश्य मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन बने, स्वास्थ्य के अनुसार भोजन बने, ये हमारी इच्छा है, ताकि गुरुकुल के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और वो पूरे भारत के लिए एक एग्जाम्पल भी बने। तो ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता है, वो संपर्क कर सकता है। दूसरी जो आवश्यकता है हमें, वो अध्यापक की आवश्यकता है। उसके अंदर 10वीं कक्षा तक के बच्चों को जो गणित, विज्ञान और इंग्लिश पढ़ा सके, वो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, डिग्री की कोई अनिवार्यता नहीं है। पहली जो आवश्यकता है कि वो व्यक्ति खुद से 10वीं कक्षा तक का पूरा गणित निकाल सके, विज्ञान को समझ सके और इंग्लिश को समझ सके, और फिर वो बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो, यानी कि जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे वो सीख जाएं, उनका तरीका अच्छा हो। तो ये दो विशेष आवश्यकताएं हैं उसमें। उम्र का कोई दायरा नहीं है, प्राथमिकता भाई राजीव दीक्षित और स्वदेशी विचारधारा वालों को है। तीसरी जो गुरुकुल के अंदर आवश्यकता है, वो आवश्यकता है जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं या उनको कर रहे हैं, उनको मिनिमम आवश्यकता है कि भाई राजीव दीक्षित जी के सारे ऑडियो वीडियो उन्होंने सुने हो, चिकित्सा की पुस्तकों का अध्ययन उन्होंने किया हो। इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, फ़ोन के माध्यम से आपको लोगों की चिकित्सा करनी है, फोन भी अटेंड करने हैं और लोगों की चिकित्सा भी करनी है, तो वो ऐसे व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते हैं। तीसरी जो आवश्यकता है वो है केयर टेकर की, यानी कि व्यवस्थापक की। बच्चों के साथ सुबह शाम आपको रहना है, बच्चों को आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ, वीरता की कहानियाँ सुनानी है। अच्छा, जितनी भी अच्छी ऐसी चीज़ें आप जो बच्चों में सिखा सकते हैं, कहानियों के माध्यम से और अलग अलग गीतों के माध्यम से, उसकी आवश्यकता है। बच्चों को उसमें अभिनय भी आपको सिखाना होगा, कलाकारी आपको, नाट्य, मंचन, गीत गाना, संगीत, ये आवश्यकता है। इसके बाद और भी जो बेरोजगार साथी हैं जिनको चिकित्सा का अनुभव नहीं है, तो वो भी लोग शामिल हो सकते हैं इसके लिए। और उसमें विशेष रूप से जो अनिवार्यता है कि आपको पहले 3 से 4 महीने प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप प्रशिक्षण लेने के बाद, जब पूरे अनुभवी आप हो जाएंगे, उसके बाद आपको रोजगार के लिए भेजा जाएगा। गुरुकुल में भी आपको रोजगार दिया जा सकता है, या अखंड भारत द्वारा संचालित भारत में जो भी गुरुकुल है, वहाँ पे भी आपको सेवा का कार्य दिया जा सकता है। तो आप सभी बेरोजगार साथियों से, राष्ट्रभक्त साथियों से मेरा निवेदन है, जो भी कार्य करना चाहता है चिकित्सा के क्षेत्र में, भोजन रसोई के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, आप सभी को निमंत्रण है। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।